कि कुरान और हदीस के आने के बाद इसी ईमानी हमीयत और हरारत की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में, सहाबे किराम की क़यादत में जो एक नई उम्मत बनता हुई थी, बहुत गुर्बत की हालत में थी, उसके बावजूद 100 साल के अंदर में बहुत खुशहाली उन लोगों को देखने को मिली। इसलिए कि उनके कुरान ने उसकी तरगीब की थी, इसलिए कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरगीब की, इसलिए कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था और बार बार कहा था कि भाई सबसे अच्छी कमाई वो जो आदमी मेहनत करके खुद से कमाए और खाए। والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون। पिछले जुमा को रिस्क के बारे में गुफ्तगू हुई थी कि रिस्क की तलाश में की कितनी अहमियत है, इस्लाम का उस सिलसिले में क्या नुक्ते नज़र है, कुरान और हदीस की तालीमात क्या है। मुख्तसरन इसकी वजाहत की गई थी। हालांकि रिस्क माल और दौलत इसकी तरफ वसाइल ज़िंदगी की तो इंसान की फितरत में, जिन चीज़ों की तरफ फितरत में हो उनकी तालीम नहीं दी जाती, लेकिन अगर फितरत की आवाज़ पर लब्बैक कहना ही छोड़ दिया आदमी तो फिर बार बार उसकी याद दिला जाती है। बिल्कुल इस पर कोई गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए कि वो वसाइल ज़िंदगी हासिल करने के लिए मेहनत करे और तबुदो करे। दुनिया करती और उसी से निज़ाम चल रहा है। फर्द के लिए, ख़ानदान के लिए, माशरे के लिए, मुल्क के लिए सबकी ज़रूरत है। इसके बावजूद आए वो सर्वे आते रहते हैं कि दुनिया की सूरत हाल क्या है। अभी पिछले दिनों हमारे मुल्क का जो जायज़ा आया है कि पिछले चंद वर्षों में गरीब और बहुत गरीब हो गया, अमीर और बहुत अमीर हो गया, इसके असबाब पर गुफ्तगू हो रही। अगर हम लोग बहैसियत मुसलमान मुसलमानों के बारे में जो जायजे हैं उनका जायज़ा लें, पहले जब उनको आता है जो कैफियत है। हिंदुस्तान में जो बहुत ही ऑथेंटिक सर्वे है उनमें यह है कि सबसे माली एतबार से पस्त कौम, एकदम निचले दर्जे में जो कौम है वो मुसलमान। कुल मुसलमानों में 84% लोग गरीबों में शुमार होते हैं। वसाइल जिंदगी उनके बेहद महदूद है। इस किल्लत की वजह से कई तरह की दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना है। पिछले 25-50 सालों में अगर हम बहसियत कौम उम्मत मुस्लिमा का जायजा लें, एक कमी की वजह से क्या क्या नहीं हुआ है। बड़े बड़े ममालिक ताराज में कौमों का इस्तेहसाल हुआ है। मुस्लिम उम्मा बहसियत कौम नीचे पीछे ढकेल दी गई, आपकी आवाज में कहीं ताकत नहीं, आपकी दिफा में कहीं कोई वजन नहीं। इज्जत और जिल्लत के पैमाने पर अगर कहीं जायजा लिया जाए
बहुत हाई दर्जे में आदमी मरने लगता है, तू जिद्दोजहद करता है। तो आज कूड़ों के ढेर पर जो बच्चे मक्खियों के साथ भिन्नाते मिलते हैं वो तो ज्यादा उनके मुसलमान बच्चे होते हैं। बहुत इबरतनाक बात, इबरतनाक बात है। हराम पेशे में इज्जत का सौदा करने वालों में जो जायजे हैं उनमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। और अभी पिछले दिनों जो आदाद शुमार ये आ रही है कि बहुत सी मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ जा रही और अपना मजहब बदल रही, और वो तादाद लाखों में बताई जाती है। कितनी इबरतनाक बात है ये, तंगदस्ती की वजह से, इफलास की वजह से। तो मेरे भाइयों, बहसियत कौन इस वक्त हमारे वजूद का भी मसला है, इस वक्त हमारे ईमान के बका का भी मसला है, इस वक्त हमारी इज्जत और आबरू भी दांव पर है। और वो इस वजह से कि कुरान और हदीस के आने के बाद इसी ईमानी हमीयत और हरारत की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में, सहाबे किराम की क़यादत में जो एक नई उम्मत बरपा हुई थी, बहुत गुर्बत की हालत में थी, उसके बावजूद 100 साल के अंदर में बहुत खुशहाली उन लोगों को देखने को मिली। इसलिए कि उनके कुरान ने उसकी तरकीब की थी, इसलिए कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरकीब की थी, इसलिए कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था और बार बार कहा था कि भाई सबसे अच्छी कमाई वो जो आदमी मेहनत करके खुद से कमाए और खाए। अब इस कमाने की तरफ से गफलत और खास तौर से मुसलमानों में गफलत, उसके ढेर सारे असबाब गिनाए जाते हैं। लेकिन जो अमर वाकया है वो ये है कि हम लोगों के यहां एहसास भी जैसे नहीं है, एहसास जिया भी नहीं है। एक आदमी कमाता है, पूरा घर बैठ करके खाता है, जब तक उसकी पसंद का उसके शाया निशान रोजगार नहीं मिल जाएगा उस वक्त तक वो रोजगार पर हाथ नहीं लगाएगा। और बहुत सारी बातें। तो मेरे भाइयों, ये बात हम लोगों को अच्छी तरह से गिरा लगानी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमारी तमाम जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये दी है कि अपने लिए हम मेहनत करके सामान्य जिंदगी हासिल करें। फिकह के उसूलों में यह बात है कि जो वाजिबात में जो चीजें हैं जैसे नमाज, रोजा, जकात, तो इस इन वाजिबात के इत्माम के लिए जिद्दोजहद करना भी जरूरी है। हम लोगों के यहां बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हैं, ईमान की हालत में नमाज पढ़ लेते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन हम माशी तौर पर सबको छोड़ दीजिए, हमारे यहां सबसे मुअज्ज़ज़ जो लोग होते हैं वो हमारे मस्जिद का इमाम और मुअज्ज़िन होता है। वही हमारी नमाजें अदा कराता है तो हमारी नमाजें अदा हो जाती हैं, वही जनाजा पढ़ा देता है तो हम इज्जत से पहुंच जाते हैं कब्र। लेकिन क्या हम अपने इस मुअज्ज़ज़ तरीन आदमी को भी इस लायक छोड़ते हैं कि वो ज़कात अदा कर सके, वो हज कर सके? ये है हमारी तवज्जो का आलम। इसलिए जो बात पिछली मरतबा मैंने कही थी उसमें इजाफे के तौर पर आज फिर से ये बात बताना चाहता हूँ कि हम में से हर शख्स की, हर हाथ पैर वाले आदमी की, हर सेहतमंद आदमी की जिम्मेदारी है कि वो जिद्दोजहद करे, मेहनत करे, खूब मेहनत करे। इसकी कोई इंतहा नहीं कि कितनी मेहनत करे और कितना कमाए, जितना कर सकता हो करे, कोई उम्र बैठने की नहीं, जहां तक कर सकता हो करे, ये तरकीब है। अब उसके बाद वो सवाल आता है दो, जो हदीस पाक में ये बात आई है कि आदमी जिद्दोजहद करे, मेहनत करे, माल हासिल करे तो कैसे करे और कहां खर्च करे, ये सवाल भी बहुत अहम है।
خاص طور سے ایمان والوں کے، مسلمانوں کے لیے جد و جہد تو بے انتہا کرنی ہے، رات دن کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے کہ آنے والا ایک ایک پیسہ، ایک ایک پائی، ایک ایک دانہ حلال ہو حلال، حلال اور حرام کا تصور ہم لوگوں کے ہاں بہت واضح اور ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام معاملات میں حرام اور حلال کا علم وہ سیکھے، وہ جانے کہ اس کے لیے کیا کام حلال ہے، کیا چیزیں حرام ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ رزق کا ایک ایک دانہ، ایک ایک پیسہ حلال ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ حرام کی جو موٹی موٹی صورتیں ہیں کہ سود نہ ہو، رشوت نہ ہو، دھوکے سے مال نہ آیا ہوا ہو، کسی سے نہ ہم کسی سے نہ سلم کر لیا گیا ہو، صرف یہی باتیں نہیں ہیں، اس کی بہت تفصیلات ہیں، وہ کسی کے بس کی بات نہیں اس کی کوئی فہرست ایک بنا کر کے پیش کر دے کہ یہ آدھا حرام وہ آدھا حق ہے۔ اگر ہم ملازم ہیں تو جب مدت ملازمت ہماری 30-35 دن میں، ہفتے میں جو ہماری تنخواہ کا دن ہو، دن ہماری تنخواہ آ جائے گی، دینے والا تو دیکھیں گے کہ اس کی حاضری ہو گئی، لیکن امپلائر نے ہماری جو ڈیوٹی دی، ہم سے جو چاہا ہے، ہم اس پیمانے پر وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں، اگر اس پیمانے پر ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ہماری نمازیں ہماری اس کو حلال نہیں کریں گی۔ جس بات کا ہم پیسہ لے رہے ہیں اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اگر تجارت کر رہی ہے، بزنس کر رہی ہے، آج کے زمانے میں ہزار ایسی شکلیں ہیں جو حرام کی طرف لے جاتی ہیں، ہزار مرتبہ ایسے دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہ تو کرنا پڑے گا بھائی تبھی ہو پائے گا۔ ان حالات میں اپنے آپ کو حلال پر بنائے رکھنا، کہیں کی تعلیم کہیں ہم لوگ ملاتے ہیں، رزق حاصل کرنے اور کوئی آدمی کتنا حاصل کرے اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، عشر مبشرہ میں 7 لوگ ایسے تھے جو بہت مالدار، 5-10 میں سے 5 لوگ ایسے تھے جو بہت مالدار تھے، سینکڑوں اونٹ پر مال لاد کر کے وہ سب کا کیا کرتے تھے، ان کے پاس تھا تب تو کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ہم لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، قناعت کھانے پر اگر ہو گیا تو بہت ہے، اس کے بعد آدمی کو اپنی نماز روزہ کی فکر کرنی چاہیے۔ ممانعت جس بات کی ہے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ مال و دولت کی کثرت آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر یہ کثرت اس لیے ہو کہ میرا گھر 1 فٹ اونچا ہونا چاہیے میرے پڑوسی سے، میرا بینک بیلنس بتانے کے لیے زیادہ ہونی چاہیے، میری شادی میں جو جہیز دیا جائے دکھا دکھا کر کے، بتا بتا کر کے، وہ لوگوں کے لیے عبرت ہو، سخت قسم کی ممانعت، اس تکاثر کی اور تفاخر کی۔ اس لیے نہ مال زیادہ حاصل کیا جائے یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس بہت ہے، میں فلاں کو خرید سکتا، میں فلاں کو نیچا دکھا سکتا ہوں، میں فلاں کو ایسا کر سکتا ہوں، صرف ممانعت نہیں، بہت شدید قسم کی ممانعت ہے، اور ڈھیر ساری شکلیں ہیں کہ مال کب حلال حرام ہو جاتا ہے، کب حرام حلال ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو شعوری طور پر سمجھنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو مال حاصل کر لیا ہے اس کا کیا کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، اور وہ چیزیں بھی اللہ اور اس کے رسول نے بہت واضح لفظوں میں ہمیں بتائی ہوئی، اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ ان طرف دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حصول رزق کی جو اللہ اور رسول نے تعلیم دی ہے، اس جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں حصول رزق میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کے رسول صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए दुआ की, हम सब लोगों की इस दुआ की तरकीन की कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, कि तू फितर से बचा, तू किल्लत माल से बचा, तू जिल्लत से बचा, ए अल्लाह इस तरह की रसवाई से हम अल्लाह तेरा दीन, तेरी दीन की कदरें, तेरी उम्मत सरबलंदी चाहती है, ए अल्लाह तूने सरबलंदी का वादा किया है, ए अल्लाह सरबलंदी के वसाइल जमा करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम।